आज की डेट में ऐसे लोग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। कई लोग हमें स्ट्रेस देते हैं, उनके साथ से हमें खुशी कम और दिमाग गर्म ज़्यादा मिलता है। अलग अलग बात पर झगड़ा होने से हमें समझ नहीं आता कि हमारा इनके साथ रहना ठीक है भी या नहीं, या हम जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से लोग हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और किनके साथ हमें रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। इन बंदों के साथ से आपको ऑटोमेटिकली एक सुकून, एक रिलैक्स फील होता है। बाकी सब तो बस बेकार की टेंशन हमें देकर हमारा मूड और ज्यादा खराब करने का काम करते हैं। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आपके ये वीडियो देखने के बाद कोई सवाल मन में आए तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाओ ताकि मेरा भी हौसला जरा बढ़ सके। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो पहले इस वीडियो को एंड तक जरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम वहां भी बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले ये आपके इमोशंस की कदर करते हैं। जैसे मानो आपके घर में कोई लड़ाई हुई है और आप आज बहुत ज्यादा अपसेट हो और आपका आज मन नहीं है किसी से भी बात करने का, तो ये जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझसे आज भी बात करो वरना ब्लॉक कर दो। ये सब इनका नहीं होता, ये जरा आपको तसल्ली से अपनी बात कहने का मौका देते हैं, आपको समझते हैं और आपके इमोशंस को अपने तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके नेचर को ठीक तरह से समझने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी आपको स्ट्रेस नहीं देते कि आप पहले ही परेशान हो और कुछ ये बेकार की हरकत करके आपको और ज्यादा परेशान करें। इसके बाद ये कभी आपको जज नहीं करते, यानी ये जब आपकी बातें सुनते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं, तो कभी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नेचर को, आपकी आदतों से आपको कभी जज नहीं करते, और इनकी यही आदत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि भाई हम सबको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो हमें बिना जज करे हमारी गलती पर हमें समझा सके और सही चीज़ करने पर हमें अप्रिशिएट कर सकें। तो इन लोगों में ये खासियत ज़रूर होती है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि हर इंसान में थोड़ी बहुत कमी तो होती ही है, और फिर अगर वो भी बाकी सब की तरह आपको जज करने लगे तो फिर उनमें और बाकी सब में क्या ही फर्क रह जाएगा। इसीलिए ये लोग जरा रेयर हमसे टकराते हैं, और तभी मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे लोग कहीं मिलते हैं तो कोशिश करना इन्हें साथ रखने की। इसके बाद आप इनके साथ सेफ फील करते हैं, सेफ सिर्फ नजरों की वजह से नहीं बल्कि अपनी बातें हाइड करने के लिए। यानी आपको ये मालूम होता है कि आप इनसे दिल खोलकर जितनी मर्जी बात कर सकते हो। अब क्योंकि ये आपको जज नहीं करते तो एक बॉन्ड तो बन जाता है कि हाँ आप अपनी बात इनसे बोल सकते हो, और आप सेफ इसलिए फील करते हो क्योंकि आपकी बात कभी भी ये लीक नहीं करते, यानी किसी और को आपकी कोई भी बात कभी नहीं बताते, और आप इनसे वो बात भी बोल सकते हैं जो आप कभी किसी से नहीं बोल पाते। इसके बाद ये झगड़ा होने पर भी आपको कभी पुरानी बातें नहीं बोलते कि तुमने तो ये सब किया हुआ है या तुम खुद भी तो ऐसे हो वैसे हो, ये सब आपसे नहीं कहते। बल्कि अगर झगड़ा हो भी जाता है तो सिर्फ करंट सिचुएशन की ही बात करते हैं, ये नहीं कि अगली पिछली बातें बोलकर आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। इनकी बातें आपको इजीली समझ में आ जाती है, इनकी बातों से आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, आपका बॉन्ड अच्छा बनता है, दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों में इनका साथ आपको फायदा देता है। इसके बाद ये कभी नए लोगों के लिए आपको इग्नोर नहीं करते क्योंकि इन्हें अपने रिश्ते की वैल्यू होती है। अगर कोई तीसरे बंदे के लिए आपको इग्नोर कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए सही बंदा है, बल्कि वो आपको क्या, जिसके लिए उसने आपको छोड़ा कुछ दिन बाद वो उस शख्स को भी छोड़ सकता है, क्योंकि इनके अंदर किसी रिश्ते को निभाने की चाह होती ही नहीं, इनकी नीयत में खोट होता है और नीयत को सुधारना सबके बस की बात नहीं होती। तो ऐसे बंदों से तो बिल्कुल रिश्ता कभी मत बनाया करो जो आपको किसी दूसरे के लिए इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं कोट्स, थॉट्स और कई ऐसी चीजें अपलोड करता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। और साथ ही इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो क्लिक करो और जल्दी से जुड़ जाओ। और यार फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रुथ ऑफिशियल सर्च करके फॉलो करो ताकि हमारी आर्मी और ज्यादा बढ़ सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।